यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 29 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली जन आक्रोश रैली होने जा रही है। इसी कड़ी में आज अशोक तंवर गुरुग्राम पहुंचे और वहां पर लोगों को रैली में आने का न्योता दिया। तंवर ने रैली में पगड़ी प्रथा को खत्म करने की बात कही है और वहीं इनेलो और बसपा गठबंधन पर अशोक तंवर ने तंज कसते हुए कहा कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारेंगे छाती पे, यानी इनेलो पार्टी को गुंडा बताते हुए दलितों के खिलाफ साजिशें और अन्याय करने वाली पार्टी बताया। तो वहीं रैली में 50,000 की भीड़ ले जाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, यानी तंवर गुट को और हुड्डा गुट को अलग अलग भीड़ जुटाने की जिम्मेदारियां जरूर कांग्रेस मुख्यालय द्वारा दी गई है। तो आपको बता दें कि 29 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद रैली करने जा रही हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। 29 अप्रैल को ये रैली होगी और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की कोशिश यही है कि इस रैली को हिट रैली जो है बनाया जाए और इसी की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। रैली में कैसे भीड़ जुटाई जाए इसको लेकर जो है मंथन शुरू हो गया है और साथ ही न्योता देने का की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रैली में लोगों को पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने लोगों से रैली में पहुंचने का आह्वान किया।